एवरीवन। अरे कुकी ने तो यहाँ पे सुसु कर दिया। अरे मिस्टीज ने सुसु किया यहाँ पे, देखा बदमाश कही कि तूने सुसु किया है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम से ठीक हूँ और बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ आज। इधर आ, वो देखो जादू है, देखो देख ही रहना वो कार्टून, वो ऐसे होता है ऐसे। बाद में देखूंगी जादू। मम्मी देखो देखो देखो, यहाँ पे मैं गई थी नहाने और इन दोनों का आतंक मचाया। देखो कुकी ने यहाँ पे टॉयलेट भी कर दिया है। कुकी ने यहाँ पे टॉयलेट कर दिया ना, देख रही है मुझे, कह रही मुझे क्यों नहीं लेके गई नहाने। तूने भी नहाई नहाई करना था? नहीं करना था, करना था। चल चल हट ही जाते हैं यार। तो आज है सावन के महीने का लास्ट सोमवार, उसके बाद थोड़ी देर में मैं अपने घर पे ही दिया बाती करती हूँ। इससे पहले हम आपको मिलाते हैं अपनी कुकी से। तो ये है कुकी, और हाय करो कुकी, कुकी हाय करो, यहाँ देखो हाय करो, जय कर दे। अच्छा अच्छा बाय बाय कर दे, पता नहीं क्या है मूड ही है, मैगी खा। तो ये कुकी के आजकल टीथ आ चुके हैं, एक ऊपर और एक नीचे, बहुत लेट में आए हैं इसके दांत, लगभग 12-13-14 महीने हो गई थी ये तब आए इसका एक दांत, और 15वें महीने में एक और आया। तो बहुत लेट आए इसके दांत, टेंशन हो गई थी, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था बट उन्होंने कहा था 1.5 साल तक आते रहते हैं, तो 1.5 साल से पहले ही पहले आ गए हैं ना। पूरा मुंह खोलेगी तो कुकी। और खाना मम्मी, मम्मी खाना, हाँ क्लिप ले ली, क्लिप निकाल दी। तो चलो करते हैं पहले पूजा, उसके बाद तो हो गई है हमारी पूजा। नाश्ते का भी कुछ सोचा नहीं है क्या बनाएं। कुकी आ जा इधर, आई बाल गीले हैं तो पीछे गीले हो गए ऐसा लग रहा है। टाइम हो चुका है 9:30, मौसम 4-5 दिन से देहरादून में धूप नहीं आई है, और परसों से लगातार इतनी बारिश लग रखी है कि क्या कहूँ, कपड़े सुखाने का तो क्या करूं, अब मुझे सारे कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, आधे तो अभी मशीन में, एक कल के मैंने यहाँ डाल रखे हैं, देखिए यहाँ मैंने तार लगा दिया अपने इस रूम को, मैंने कपड़े सुखाने के लिए बना दिया है। क्या करें, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर क्या लिखा है, ढसे ढक्कन, फिर अनाखाली। हाँ फिर से बना, एक और बार प्रैक्टिस कर, फिर पीछे लिखाऊंगी तब मत बोल। 3 टाइम एक और बार लिखो यहाँ, क ख ग ग च छ ज ज ट ठ ड ड, उसके बाद मैं फिर पीछे लिखाऊंगी, फिर चीटिंग करने नहीं दूंगी तेरे को, ठीक है ना? चीटिंग नहीं करने दूंगी, इसलिए मैं अभी बताऊंगी नहीं, अभी जितनी बार प्रैक्टिस करनी देख लो अभी। हेलो, तो क्या है कि आज मुझे फीवर आ गया है, आजकल आई फ्लू भी हो रहा है, डर भी लग रहा है कहीं आई फ्लू ना हो जाए मुझे, और गला खराब हो गया। हो रहा है तेरे को भी आया था? तेरे को भी आया था? पहले जुकाम हुआ था? ऐसे मत बोल यार, तो मुझे डर लग रही है कि कहीं मुझे आई फ्लू ना हो जाए, लेकिन अभी तो मेरे को जुकाम लग गया है, फिर बुखार भी आ रहे हैं। अभी मैंने दवाई ले ली है बुखार की, फिर देखती हूँ, थोड़ा आराम करती तो। कुकी की तो चिल्ला रही है, ऐनी से मत रुला रहे उसको। बच्चा पढ़ाई कर ले, क ख ग घ, कल नहीं बच्चा, अभी लिखने, आज छुट्टी है देखो, स्कूल में भी नहीं गई। ब्लैक टी, लेमन टी पी भाई, ताकि उससे मेरा जुकाम जो है पक जाए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अरे सच में होता है कि पहले फीवर आएगा, मुझे तो डर ही लग रहा है, आई फ्लू आएगा, फिर आप कुकी को पकड़ोगे, फिर कुकी अपने आँख में हाथ लगाएगी,
बेचारी कुकी तो बोल भी नहीं पाएगी कि मेरे को आंखों में दर्द हो रहा है। वही तो, कुकी तो रो ही रही है। चल थक गई, बाद में लिखना, रेस्ट कर। चलो चलो चलो, मिस्टी उसकी चोटी क्यों खोल दी तूने? फनी लग रही है, वाली हो रखी है, चोटी खोल के फनी लग रही है। ए मत कर। चढ़ने लग गए हैं, हाय गर्मी। ठीक सवा सात हो गया अंदर आके। ओए मम्मी, तो शाम को कुकी को घुमाना भी अब जरूरी हो गया है। कल तो पूरी बारिश थी, कल हम घूम ही नहीं पाए हैं। ये देखिए, आते ही मेरा पर्स छिड़ने लग गई। ओए महारानी, ओए महारानी, हाय एटीएम कार्ड निकाल दे, सीधे दो मुझे दे। ये है कल के लिए मिस्टी के लिए फ्लैग। कल है इंडिपेंडेंस डे, तो स्कूल जाएगी तो मिस्टी एक फ्लैग लेके जाएगी। तो 5 रुपए का एक था, 10 के 2 थे, तो मैंने कहा 2 ही ले लेती हूँ, एक घर पे रख लेंगे हम। बाहर से घूम के इतनी उमस हो रही है, बारिश भी बहुत चल रही है, लेकिन उमस भी बहुत हो रही है यहाँ देहरादून में। और वैसे ही आज मुझे फीवर आ रखा है, तो पसीना पसीना दवाई खा के भी निकल ही रखा था शाम को। देखते हैं क्या करते हैं। कुकी ना, सोच रही थी मैं आज खीर बनाऊंगी, लास्ट सोमवार है, लेकिन तबीयत ने साथ ही नहीं दिया। वापस लेके आना, स्कूल में क्यों छोड़ना है? घर में रखना है। घर में, एक घर में रखेंगे ना, एक स्कूल को दे दूंगी। आप बोल गए, मैं बोला, आपने सोचा था टू और देना मैम को। टू मैम को क्यों देना है, वो तो मैं आपको दूंगी। मैम अपने अपना अपने मेरे तो बोला तो वन टू वन पीस से दे रहा था मैम को। मैम को क्यों देना है ये बता, मैम के पास होगा तो मैम भी तो लेके आएगी अपना तिरंगा। मैम ने अपना तिरंगा बना रखे, बड़ा सा बना रखे मैम ने। अच्छा लोगों के बच्चे बोतल में दूध पीते हैं, मेरे बच्चे बोतल में जूस पीते हैं। देखो नहीं, ऐसे मत छोड़ कर लगाएंगे हम इस तिरंगा को। अच्छा दीदी का जूस पी दिया, अपना हाथ में रखा है, चुप कैसे गई और लेके कुकी बड़ी चालाक हो रही तू। ऐ दीदी का जूस पी रही है, अपनी बोतल हाथ में रख रखी और उसकी उठा रही है, ऐ चालाक। फिर से रख दो मिस्टी वहाँ पे, क्या करती है, फिर से ले ले फिर से ले रही है जूस। अपना टेस्टी नहीं लग रहा तुझे? मेरा भी टेस्टी नहीं है। मत पी फिर, टेस्टी नहीं है, इतना मीठा मीठा जूस बना रहा क्या, टेस्टी नहीं है।
फिर से घूम गए। और मिस्टी को देखो, मिस्टी ने पकड़ रखा है तिरंगा। कल स्कूल जाएगी इसको लेके? हाँ, अच्छा। कुकी तो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे मेरे तो बहुत ही ज्यादा गला दर्द हो रहा है, क्या किया जाए। इसको तो अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा है इस कुकी को। ए चलो मिस्टर, क्या खाएगी अब बताओ? दूध पिएगी? हाँ। चलते हैं, गाना गाना कल गाएंगे। तो बनाते हैं अब हम खाना पीना। तो बस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप आपको पसंद आया। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हम दे देंगे डंडी चाहिए तो घर घर तिरंगा लहराना चाहिए। तो हमने भी सोचा इस बार हम भी अपने घर के आगे पे ये तिरंगा लगाएंगे। तो ये अभी मिला है मुझे, तो कल सुबह लगाऊंगी मैं इसे बाहर पे। इससे पहले इसको हम यहीं पे लगेंगे, बाकी यहाँ पे तो छोटे छोटे तिरंगे, इनके साथ में ये लगा दूंगी। तो बस चलो, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग में। कल मिलते हैं।